अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारी अम्मा बनाने जा रही हैं चिकन नगेट्स। इन्हें आप घर पे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो इन्हें एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चिकन नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में हमने थोड़े से चिकन के बोनलेस पीसेस लिए हैं और इसमें हम कम से कम 3 चम्मच ब्रेड क्रम्ब ऐड करेंगे। के बाद थोड़ा सा प्याज कटा हुआ और हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें धनिया की पत्ती और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून नमक और हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये जो पेस्ट है इसे प्लेट में निकालने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टीस्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। उसके बाद हम इन्हें हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद आप इसे इस टाइप से एक पटरे पर अच्छे से फैला दीजिए। और इसे इस तरह से फैलाने के बाद आप किसी चीज की मदद से इसके चौकोर पीसेस काट लीजिए। और नगेट के चौके और पीसेस काटने के बाद आप इसे प्लेट में रख लीजिए अलग। यहाँ पे हमने एक कटोरी में एक अंडा लिया है जिसे हमने अच्छे से फेंट लिया है और फिर हम इसमें 2 चम्मच दूध ऐड करेंगे। और दूध को अंडे के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये जो आपके चिकन नगेट के पीसेस हैं इन्हें आप इसमें डिप करिए। उसके बाद इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दीजिए। इस मिक्सचर से ये ब्रेड क्रम्स इस पे बहुत अच्छे से चिपक जाएंगे। अब इस स्टेज पे आप इन नगेट्स को एक डब्बे में रख के फ्रीज भी कर सकते हैं और ये आपके एक इंस्टेंट स्नैक की तरह काम करेंगे। बस आप इन्हें निकालिए और 5 मिनट के अंदर फ्राई कर दीजिए। अब यहाँ पे इन नगेट्स को हमने तेल में डाला है और इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप इन्हें दोनों तरफ से पलट के फ्राई कीजिएगा ताकि ये दोनों तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप इन्हें अलग प्लेट में निकालिए और टमाटो केचप या हरी चटनी के साथ इनकी सर्विंग कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।